नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। मणिपुर में 3 मई से कुकी और मेतेई समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो रही है। शनिवार को इंफाल पूर्वी जिले में एक महिला की घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक कुछ हथियारबंद लोग सावोम्बुग इलाके में आए और उन्होंने 50 साल की एक महिला का चेहरा गोलियों से भून दिया। घटना के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर है और इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। मणिपुर पुलिस के मुताबिक महिला मरिंग नगा समुदाय से थी। 10 दिन पहले 6 जुलाई को मणिपुर से इंफाल वेस्ट जिले में ऐसी घटना सामने आई थी, जब स्कूल के बाहर एक महिला को गोली मार दी गई थी। शनिवार को मणिपुर के इंफाल पश्चिम जिले में 3 खाली ट्रकों में आग लगा दी गई। यह घटना सेकमाई थाना क्षेत्र के अवांग सेकमाई इलाके में हुई। मणिपुर में पिछले 75 दिनों से कुकी और मेतेई समुदाय के एक दूसरे के खिलाफ हथियार लेकर खड़े हैं। पीटीआई के मुताबिक हिंसा में अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 65,000 से अधिक लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। आगजनी की 5,000 से ज्यादा घटनाएं हुई है। 6,000 मामले दर्ज हुए हैं और 144 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। राज्य में 36,000 सुरक्षा कर्मी और 40 IPS तैनात किए गए हैं। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी।